गणेश चतुर्थी के मौके पर आज समूचे भारत देश में भगवान गणेश की पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं पटना सिटी के मुगलपुरा इलाके में स्थित जमुनी राय के कुआं के पास 14 फीट की भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां देर रात भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने भोग लगाया और आराधना की। वहीं इस पूजा समारोह में शामिल होने आए स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव और पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने भी भगवान गणेश की पूजा की, साथ ही राज्य में शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा का पट खोला गया, जिसे देखने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की जयकारा लगाया, जिसमें पूरा पंडाल परिसर में भक्तिमय का माहौल कायम हो गया। इस पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु कोरोना को भूलकर बिना मास्क के गणेश भगवान के दर्शन करते नजर आए। वहीं भक्ति के माहौल में श्रद्धालुओं ने सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज 24 की रिपोर्ट। जमनी राय के कुआं में इस बार भगवान श्री गणेश की पूजा का आयोजन किया गया है। यहाँ के नौजवानों ने बड़े उत्साह के साथ हर साल गणेशोत्सव मनाने का काम करते हैं। मैं इस अवसर पर समस्त इलाके के लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करता हूं सबके ऊपर सुख शांति और समृद्धि की वर्षा करते रहें, ताकि हमारा पूरा इलाका और मेरे इलाके के रहने वाले लोग सुखी रहें। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।